हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स वर्नी। आज हम देखेंगे जो भी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होती हैं उनके एग्जांपल्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स क्या होती हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनके क्या क्या मैकेनिज्म हैं। तो जो ह्यूमंस होती हैं तो उनमें जो एबीसी सुपर फैमिली है यानी जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके कौन कौन से यानी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो भी ह्यूमंस में अगर हम देखेंगे कि कितने एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, लगभग 48 यानी कि जो ह्यूमन का जीनोम होता है वो 48 एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को इनकोड करता है। एबीसी ट्रांसपोर्ट इसमें ये फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एमडीआर। यह क्या है? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स है। तो जो एमडीआर होता है यह क्या है? इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एमडीआर का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये किसका एग्जांपल है? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स यानी जो एबीसी एंड एटीपी बाइंडिंग कैसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उनका यह क्या है? मेंबर है। तो जो एमडीआर होता है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी जो भी ये ड्रग्स होती हैं उनसे क्या करता है, यह रेजिस्टेंस शो करता है। जो भी ह्यूमन ट्यूमर सेल्स होती हैं और जो सेलुलर मॉडल सिस्टम होती है उन सभी में यह जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होती हैं उनके लिए क्रॉस रेजिस्टेंस शो करते हैं। एमडीआर को हम देखेंगे कि जो एमडीआर वन था वो फर्स्ट जो यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसे सबसे पहले क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था किसमें? ट्यूमर सेल्स में। और ये विभिन्न प्रकार की जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए क्या करती है, रेजिस्टेंस शो करती हैं। एमडीआर जिसका फुल फॉर्म क्या था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि हर इनका जो टिश्यू एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ होता है, जो एड्रिनल होती है, किडनी होती है और जो भी ब्रेन सेल्स में होती है। तो जो एमडीआर होती है यानी जो एमडीआर एबीसी ट्रांसपोर्टर है तो इसे हम क्या कहते हैं, एबीसी B1 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एमडीआर होता है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे क्या हो गए, एड्रियामाइसिन हो गए, डॉक्सोरबकिन हो गए और विनाब्लास्टिन, ये सभी क्या हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कैंसर के कीमोथेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो एमडीआर होता है, जो एबीसी B1 ट्रांसपोर्टर होता है, वह क्या करता है, इन सभी जो ड्रग्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंस शो करता है। यानी जो भी कैंसर सेल्स होती हैं वह एमडीआर, जो भी यह ट्रांसपोर्टर होती है एमडीआर जो ट्रांसपोर्टर हो गई, इसका यूज़ करके इन जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, जो एजेंट्स होती हैं, उन्हें बाहर पंप कर देती हैं जिससे यह साइटोटॉक्सिक ड्रग्स उन सेल्स में काम नहीं करता है। यानी यह एमडीआर क्या करता है, इन ड्रग्स के लिए एक रेजिस्टेंस शो करता है और यह कैंसर सेल्स इनकी हेल्प से इन ड्रग्स को बाहर पंप कर देती है। तो यह कैसे काम करता है वो हम देखेंगे कि जैसे यह कोई भी कैंसर सेल्स होती हैं तो इनमें जो भी एंटी कैंसर ड्रग यानी इनके ट्रीटमेंट के लिए, इनके कीमोथेरेपी के लिए जो भी ड्रग यूज़ किए जाते हैं वो सिंपली क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन यह ड्रग अगर यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गए तो यह काम करेगा, यानी उसके ट्रीटमेंट के लिए यह दवाई दी जा रही है, लेकिन एमडीआर क्या करता है, यह ऐसा होने नहीं देता है। जो एमडीआर होता है यानी जो ट्रांसपोर्टर है एबीसीबी1 ट्रांसपोर्टर, वह क्या कहता है, रैपिडली यह जो ड्रग्स होती हैं उनको क्या कर देता है, बाहर की ओर इस तरीके से पंप कर देता है। अब बाहर की ओर पंप कर दिया तो क्या होगा, यह यहाँ पे काम नहीं करेगा, यानी इसके लिए क्या कर रही है, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं।
तो MDR ऐसे होने नहीं देता है। यह ड्रग्स जैसे ही डिफ्यूज़ होकर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी डिफ्यूज़ होकर यहाँ सेल के अंदर पहुँचते हैं, तुरंत ही जो एक्टिव ABC ट्रांसपोर्टर होता है यानी जो MDR होता है वह क्या करता है, इसे रैपिडली बाहर की ओर पंप कर देता है, जिसे यह काम अपना नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी कैंसर सेल्स होती है उनमें यदि यह जो MDR होता है वह अच्छे से काम कर रहा हो तो यहाँ कभी भी यह ड्रग काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो MDR होगा वह तुरंत ही से क्या कर देगा, बाहर की ओर पंप कर देगा। लेकिन वहीं अगर इसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है तो जो भी एंटी कैंसर ड्रग होती है वह आसानी से बाहर की ओर पंप नहीं होंगी, यानी यह ठीक से काम नहीं करेगा। तो फिर जो एंटी कैंसर ड्रग होती है वह इसके लिए जो सेल्स होती हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी कैंसर सेल्स होती हैं वह MDR का यूज़ करके यानी जो MDR ट्रांसपोर्टर के थ्रू उनमें क्या होता है, इन जो भी ड्रग्स होती हैं उनको बाहर पंप कर दिया जाता है, जिससे यह उस सेल्स में क्या होती हैं, इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो भी MDR था उसे किसे, यह फर्स्ट यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक ABC ट्रांसपोर्टर है, जिसे सबसे पहले क्या गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होती है उनका सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, तो सेकेंड क्या होता है, CFTR। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वह हम देखते हैं कि पहला है MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एंड सेकेंड है CFTR, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि जो CFTR होता है उसे ABCC7 के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो ट्रांसपोर्टर होता है वह ABC के C सब फैमिली से क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसमें हम देखते हैं कि यह क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि यह म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या होता है, यह जो ट्रांसपोर्टर होता है वह म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाता है। इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वह उनके सर्फेस में म्यूकस क्या होगा, सीक्रेट होते रहता है, और वाटर सिक्रीशन बना रहता है, जिससे जो भी बाहरी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, माइक्रोब्स होती हैं, वह आकर यहाँ पे माइक्रोब्स होती हैं वह क्या होंगी, इस म्यूकस के साथ आके मिल जाएंगी, और इससे अटैच होकर फिर क्या होती हैं, बाहर वॉश आउट होती हैं, यानी बाहर इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से होता है। यदि इनमें वाटर सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, यह ड्राई हो जाएंगी, और जब ड्राई हो जाएगी तो भी जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, जो माइक्रोब्स होती हैं, जो बाहरी इन्वायरमेंट्स आएंगी वह यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगी और उनकी क्या होगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। इससे हम देखते हैं कि जो CFTR क्या है, एक पंप नहीं है, यह एक चैनल होता है, यह पंप की तरह कार्य नहीं करता है। यह क्या करता है, जो भी क्लोराइड्स आयन होती हैं वह सेल के अंदर से ले अंदर से, जो सेल के अंदर क्लोराइड्स आयन्स होंगी उन्हें बाहर पंप करने का काम करता है, जिससे बाहर क्या होगा, Cl क्लोरीन एक्यूमुलेशन होगा और वाटर ऑस्मोसिस होगा, जिससे यह जो बाहरी सरफेस होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की वह ड्राई नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जितने भी ABC ट्रांसपोर्टर्स होती हैं इनमें चार डोमेन होते हैं, यानी दो हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और दो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होती है। लेकिन जो CFTR होती है उनमें एक एक्स्ट्रा डोमेन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटरी डोमेन कहते हैं, यानी जो CFTR होती है उनमें टोटल 5 डोमेन पाए जाते हैं। अब CFTR क्या है, यह चैनल की तरह कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होगा, CFTR क्या होता है, क्लोज होता है। तो सबसे पहले जो रेगुलेटरी डोमेन होता है उसका फास्फोरिलेशन होगा, उसके बाद जो ATP होंगी वह न्यूक्लियोटाइड जो बाइंडिंग साइट होंगी उससे आके बाइंड कर जाएंगी, और यह ATP का यूज़ करके फिर जो चैनल होगा वह ओपन हो जाएगा, और जो क्लोराइड्स आयन्स होंगी वह इनसाइड से आउटसाइड में चली जाएंगी, और जो क्लोराइड आयन के एक्यूमुलेशन से वाटर ऑस्मोसिस होगा, जिससे यहाँ पे वाटर का सीक्रेशन होता रहेगा और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी वह ड्राई होने से बच जाएंगी।
तो इसमें हम देखते हैं कि यदि जो CFTR होता है उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो यह क्या होगी, ठीक से काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, जो भी माइक्रोब्स होती हैं, वह बाहर तो यानी यह डिपॉजिट होती जाती हैं, यानी इसका सरफेस ड्राई होगा और यह डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे लंग्स में निमोनिया हो जाएंगे और इसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो CFTR जो ट्रांसपोर्टर्स होता है वह क्या कहता है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उन्हें ड्राई होने से बचाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ABC ट्रांसपोर्टर कितने होते हैं, जो ह्यूमंस में लगभग 48 ABC ट्रांसपोर्टर्स होती हैं, जिसमें जो 48 जो ह्यूमन जीनोम्स होता है वह 48 ABC प्रोटीन्स को क्या करता है, इनकोड करता है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमने पहले देखा AMDR के बारे में और CFTR के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके अंतर्गत जो भी पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और जो भी ABC सुपर फैमिली थी, यह सब हमने डिटेल में देखा। और इसकी जो वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और जो इसकी PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।